بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا blessed be allah, allah be innahu kana ta'wabba, sadaqallah hu nazim, ladies and gentlemen, one of the reasons that institute of satan Punjab multan is different from other institutes is that uh, we not only focus on technical or academic side of students uh, but we focus on soft skills as well and for that purpose, I would like to share with our guests that we have our in-house Institute of Southern Punjab is one of the pioneer institutes that, ha that has our in-house training and development center with the name of Southern Executive Development Center. Uh, in that department, we focus on the faculty and student development. And for that purpose, we're always there for departments like Department of Architecture that has organized this event. We are always there for the support. And in that um, uh, sense, we have organized this beautiful event. And our today's... Guest, ladies and gentlemen, needs no introduction. You all know him. Uh, you must have seen his video on YouTube or Facebook or Instagram or anywhere on social media. He's an amazing person. Uh, he calls himself a teacher and a trainer. And uh, uh, what's different about him that he always takes Islamic teachings along with uh, his training and development. Uh, so he's also head of youth club Lahore chapter. He's a motivational speaker. His values are kindness, compassion, and empathy. And we are so. Thrilled

माशालाब करीब करीब लोग बैठे हुए सो लेट मी मेक दिस एज इंट्रेक्टिव एज पॉसिबल सो रादर देन अ लेक्चर लेट्स टॉक लेट मी टॉक टू ऑल ऑफ यू लेट मी गिव यू फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने उसे फिल करना है okay? ओके और ऑनेस्टली आंसर देना है मुझे सो लेट मी थ्रो यू अ क्वेश्चन इफ आई हैड डैश आई विल बी सो हैप्पी जी इफ आई हैड डैश

यस, आई नो स्पिरिचुअल ठीक है लेकिन थोड़ा सा आगे जाके पीस पीस अच्छा आप लोग तो पहले ही हैं अल्लाह <laughs> सब कुछ लेकिन ये सवाल थ्रो किया गया अमेरिकन स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा ना एक परस्पेक्टिव आप लोगों को देना चाहता हूँ यही सवाल अमेरिकन स्टूडेंट्स को थ्रो किया गया आप देखें हमें और उनमें फर्क कितना है हमारी तहजीब में उनकी तहजीब में लेकिन अंदर से अगर आप मुझसे पूछें तो हमारे स्टूडेंट्स के भी सिमिलर यही आंसर होंगे जो अभी मैं आपको देने लगा ये अलग बात है यस अल्लाह पीस एवरी लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन कितनी है हमारी लाइफ में रियली अल्लाह मेक्स अस हैप्पी तो उसकी मैनिफेस्टेशन कितनी है हमारी लाइफ में ये क्वेश्चन मार्क तो आंसर्स वर नंबर वन मनी बिल्कुल सही है पैसा मुझे भी खुश करता है गुड जॉब गुड सैलरी ये सेकंड मोस्ट आंसर था कि भाई अच्छी जॉब अच्छी सैलरी बिल्कुल फितरी बात है इसका इनकार ही नहीं है भाई किसको नहीं पसंद उसकी जॉब अच्छी लगे उसकी सैलरी हाई हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट की गई ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर भी है और अभी रिसर्च का मेरे पास रेफरेंस अगर कोई मांगेगा अभी एकदम मुझे याद नहीं आ रहा रेफरेंस बट एक रिसर्च कंडक्ट हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से क्वेश्चन किया कि इफ़ यू हैड टू चॉइसेस आपके पास दो चॉइसेस हैं चॉइस नंबर वन के आपकी सैलरी होगी पचास हजार डॉलर पर एनम और आपके काउंटर पार्टस क्लास फेलोज़ की सैलरी होगी पच्चीस हजार डॉलर पर एनम ऑप्शन नंबर टू आपकी सैलरी होगी हंड्रेड थाउजेंड डॉलर पर एन और आपके क्लास फेलोज की होगी ढाई लाख डॉलर पर एन कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे सिक्सटी परसेंट सेट ऑप्शन वन यानी मेरे से कोई आगे ना निकल जाए कट थ्रोट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है विच शोज़ द फेलियर ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम ठीक है ये बात एक फितरी है जी कि मुझसे ज़्यादा कोई ना कमाए लेकिन वट डज दिस शोज़ कि नहीं मुझे कम पैसे पसंद हैं प्रोवाइडेड के वो अगले मुझसे हाफ कमा रहे हैं बजाय के मुझे एक लाख डॉलर पर रहना मिल जाए लेकिन वो मुझसे डबल कमा रहे हैं ये कैसे मुझे बर्दाश्त हो सकता है सो यस मनी एंड सैलरी इज ऑन द लिस्ट नो डाउट अबाउट इट तीसरा ऑप्शन ट्रू लव भाई कम ऑन किसको नहीं पसंद अगर किसी से सच्ची मोहब्बत है कोई आपको पसंद है उससे शादी हो जाती इससे बड़ी कामयाबी और क्या है इस्पेशली अगर सच्ची मोहब्बत है बिल्कुल सही ये खुश करता है इंसान को ये तो फितरी बात है फितरत का तो इनकार नहीं किया जा सकता ना खुशी होती है ट्रू लव मिल गया उसके बाद नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वॉज गुड बॉडी परफेक्ट बॉडी जैसे आपने कहा हेल्थ येस स्पेशली गर्ल्स ने सिलेक्ट किया कि गुड बॉडी और ये सारी चीज़ें हमें खुश करती हैं एंड देन देर वॉज अ लिस्ट ऑफ ऑसम स्टफ़ यानी मटीरियलिस्टिक स्टफ़ ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसे हो जाए वैसे हो जाए चीज़ें ऐड होती जाए मेरी लाइफ में इट मेक्स मी हैप्पी जैसे जैसे चीज़ें मेरी लाइफ में ऐड होती रहती हैं इंटरेस्टिंगली साइकोलॉजिस्ट ने लॉन्गी स्टडीज़ कंडक्ट की लॉन्गील स्टडीज़ आपको पता ना टाइम पे डिपेंडेंट होती हैं कि एक सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं उनको ईयर्स आफ्टर ईयर स्टडी करते हैं तैंतीस साल पैंतीस साल बीस साल तक लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज बहुत साल तक चलती हैं एंड वट दे फाउंड आउट वॉज के नन ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली मेक एस हैप्पी एज पर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस बाई साइकोलॉजिस्ट देखिए अगर तो हैप्पीनेस का मतलब है प्लेजर ओके तो प्लेजर जो है वो डोप है डोपामीन है एड्रीडानिन रश है और प्लेजर का ताल्लुक जो है वो किसी और चीज़ के साथ है हैप्पीनेस का तो ताल्लुक सेरोटोनिन के साथ हैप्पीनेस का जो ताल्लुक है वो ऑक्सीटोसिन के साथ है एज़ पर द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस जो मैं इंशाल्लाह आज आपको समझाऊंगा, जिसको मैं सकीनत कहता हूँ इस्लाम की लैंग्वेज में सकीनत का नाम है उसका सकून का नाम है एक कंसिस्टेंट फीलिंग का नाम है कि वट एवर द सर्कमस्टांसिस मैं कंपोज हूँ मैं काम हूँ मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने एक्शन में मोस्ट ऑफ़ माई एक्शन आर कंसिस्टेंट मुझे सकून है मुझे एक कंपोजर की सी फीलिंग आती है जैसे प्रॉफिट सल वम की लाइफ इस बात की गवाह देती है कि अगर आप एब्राहम मेस्लो का वो हैरारकी उस पर लगाएं प्रॉफिट की लाइफ पे सेल्फ एक्चुअलईजेसन वाली जो पूरी उसकी थ्योरी है बहुत फ़ायदेमंद थ्योरी है बिज़नेस में पढ़ाई जाती है साहबा की तो बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी थी वो तो कहता है बेसिक नीड्स जब तक पूरी ना हो सेल्फ़ एस्टीम की नीड्स ना पूरी हो सोसाइटी जब आपको कुछ तब जब तक समझे कुछ ना आप सेल्फ़ एक्चुअलईजेशन पे कैसे जा सकते हैं प्रॉफिट वसल्लम को तो टोंट किया जाता था तो उन्हें तो कुछ समझा ही नहीं जाता था उन्हें तो कहा जाता था साहिर है मजनून है बेवकूफ़ है साहबा को पता है वो क्या कहते ए बेवकूफ़ ने मर जाएंगे इसके पीछे लग के ऐम ही बेवकूफ़ से लोग हैं ना इनका दुनिया से कोई ताल्लुक है वो तो नीड ही नहीं उनकी पूरी हो रही थी मे बी यू कैन डिस विद मी लेकिन दिस इज़ हाउ आई सी इट ऑल मेरे नज़दीक सेल्फ एक्चुलाइजेशन जो है ये अल्लाह की तरफ से आती है मतलब ये इसमें बहुत बड़ा इसका दावेदार हूँ यस yes, हमारे पास रिसर्च है वो सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है अच्छी बात है आप बोलें उनकी सारी पिरामिड हायर ऑफ नीड्स बहुत अच्छी बात है बट मैं ये समझता हूँ कि जिसने अल्लाह को पहचान लिया ना आपने कहा अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा खुश अल्लाह करता है कितना पढ़ा हमने अल्लाह के बारे में निन्यानवे नाम हमें जो है अल्लाह के हैं उनकी क्या उनका मीनिंग क्या है उनकी डेप्थ क्या है उनकी इम्प्लिकेशन क्या है लाइफ में अलजबार क्या होता है उसकी इम्प्लिकेशन क्या है कब अल्लाह को अलजबार के नाम से पुकारना चाहिए कब अल्लाह को अलवदूद के नाम से पुकारना चाहिए अलवदूद का क्या मतलब है अलमुमिन का क्या मतलब है गिवर ऑफ सिक्योरिटी वाट इज़ द इम्प्लिकेशन ऑफ दिस नेम कौन है गिवर ऑफ सिक्योरिटी गिवर ऑफ सिक्योरिटी का क्या मकसद होता है और अलमुहमिन का क्या मतलब है अल्दूस का क्या मतलब रहमान का क्या मतलब है ये बताता है कि अगर वाकई ही अल्लाह इज ऑन द टॉप तो फिर कितना पढ़ा अल्लाह के बारे में कितना जानते हो अल्लाह के बारे में क्या सुनी सुनाई बातें अल्लाह के बारे में या बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट रहा है अल्लाह का वो जो बेड़ा ग्रह वो कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल का जो अल्लाह की इमेज वो दे रहे हैं वो हमें पता है या ट्रू में हम अल्लाह रबालमीन को जानते हैं कि अल्लाह है कौन और ये खुशी सकून ये सेल्फ एक्चुलाइजेशन ये तगड़ापन ये कहाँ से आता है सो सारी जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी मनी यस इट गिव्स यू प्लेजर नो डाउट अबाउट दैट मैं उसको प्लेजर कहता हूं कुछ देर के लिए मे बी हैप्पीनेस यस यू कैन क्लेम आपका डोपामीन रिलीज होता है म्यूजिक सुन के जाहिर है प्लेजर की फीलिंग आती है ट्रू लव गिव्स यू प्लेजर गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकॉम्पलिशमेंट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का ताल्लुक भी डोपामीन के साथ है हमारे ब्रेन में सेवन डोप सेंटर्स हैं जिसमें से एक जो है वो अकम्पलिशमेंट का सेंटर है एक जो है वो एप्रिसिएशन का सेंटर है एक जो है वो कन्वीनियंस का सेंटर है जितनी चीज़ कन्वीनियंट होती जाती है डोप रिलीज होता है डोपामीन और इंसान जो है वो खुश होता है उसके मुताबिक खुश हो रहा है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली बेसिकली द प्लेजर केमिकल हमें प्लेजर की फीलिंग आती है लेकिन वो फिर उतना ही ठप होता है डोप वर्क्स लाइक दिस मैं बहुत आसान लैंग्वेज में क्योंकि मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ साइकोलॉजी में तो मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि डोप सेंटर्स एक कली की तरह है जैसे फूल की एक कली होती है जितना आप कली को पानी देंगे वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी डोप सेंटर्स की वैल्यू होती है नैनोमीटर्स में तो जितना आप डोप निकालते जाएंगे डोपामीन निकलता जाएगा आपका उतना वो चीज़ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक मैं भी म्यूज़िक सुनता रहा हूँ दो सौ जी बी थी बहुत अच्छा लगता था लुत्फ आता था सरूर होता था प्लेजर मिलता था इंसान एक और ही फैंटेसी की दुनिया में चला जाता था हवाओं में उड़ने लग जाता था कि okay, प्लेजर आता है डेफिनेटली इसका कोई इनकार नहीं है बेसिक साइंस है बट जितना मैं सुनता था उतनी नीड और आती थी उतनी नीड और बढ़ती थी उतनी नीड और बढ़ती थी एक टाइम आया मैं म्यूज़िक के बगैर रह ही नहीं सकता मुझे एक्सरसाइज़ करते हुए म्यूज़िक चाहिए मुझे गाड़ी चलाते हुए म्यूज़िक चाहिए मुझे पढ़ने के लिए म्यूज़िक चाहिए मुझे कोई काम करने के लिए म्यूज़िक चाहिए सो इट बिकेम माई हैबिट बिकॉज मेरे डोप सेंटर्स अब इस चीज़ के आदि हो चुके हैं मुझे वो प्लेजर चाहिए लव मैरिजेस हमारे डोप सेंटर्स लव मैरिज शादी से पहले तारीफ़ें होती हैं शेर व शायरी होती है एक्नॉलेजमेंट होती है अप्रिसशन होती है हम पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं ऑनलाइन अभी वो फ़िज़िकल रिलेशन नहीं है ना अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन में बंदे की परफेक्ट इमेज आती है परफेक्शन आती है उसकी फॉल्ट छुपी होती हैं अभी बहनों को पता ही नहीं कि नंद भी कोई चीज़ होती है सास भी कोई चीज़ होती है क्योंकि ऑनलाइन वो चीज़ नहीं है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही भाइयों को भी नहीं पता कि सुसर भी कोई चीज़ होते हैं तो इसलिए जब वो सारी शख्सियात एकदम सामने आती हैं तो फिर पता लगता है ओहो अच्छा ये शादी थी फिर जो है वो आँखें खुलती हैं बहरहाल सेपरेट अकोमोडेशन एक अच्छी चीज़ है हमारा मजहब इसकी तल्कन भी करता है कि सेपरेट निज़ाम होना चाहिए जस्ट एन एडिशन ताकि जिंदगियां बुरा सुख से गुजर जाएं बट सेपरेट अकोमोडेशन की पूरी एक बहस मौजूद है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए मेल्स पे एनीवे वे ये एक एडिशनल बात मैंने की लव मैरिज व्हाट इट डज़ मोस्ट ऑफ़ द केसेस अगर वो अल्लाह के लिए नहीं है मोस्ट ऑफ़ द केसेज अनफॉर्चुनेटली हम एक दूसरे के डोप सेंटर्स को डायल्यूट कर रहे होते हम तारीफ़ें करके एक्नॉलेजमेंट करके एप्रिसिएशन करके उसके बाद जब शादी होती है जिम्मेदारी आती है जर्मनी में एक पूरा पूरी रिसर्च कंडक्ट हुई कि जर्मन वुमेन का एक सैंपल साइज तकरीबन तो 1800 का सैंपल साइज उन्होंने लिया उनसे पूछा कि शादी के चार साल पहले हैप्पीनेस इंडेक्स कितना था लाइफ सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स होते हैं 7.2 शादी वाले दिन 7.8 ट्रू लव मिल गया शादी हो रही सेवन पॉइंट पे हैप्पीनेस जंप कर गई पहले साल सेवन थोड़ा सा गिरा दूसरे साल सेवन चौथे साल बिल्कुल वहीं आ गया 7.2 पे यानी जब गैर शादीशुदा थे वो 7.2 पे टू खड़ा था आपका वैल्यू और शादी के चार साल बाद भी 7.2 टू पे आ गया वट डज दिस अस के आवर माइंड इज डिजाइन टू गेट अकस्टम टू थिंग्स ये एक फितरती बात है आप लोग एक्सेप्ट करेंगे हमारा माइंड ना अकस्टम हो जाता है उसके लिए चीज पुरानी हो जाती बस ठीक है वो गर्ल फ्रेंड आई लव यू बोले तो बहुत कुछ महसूस होता है बीवी बोले कहते हैं डेली सुनते हैं आधी हो गए ना अब जाहिर आते जाते ये सारी चीज़ें आधी हो गया हमारा और ये बेसिक फैक्ट है साइंटिफिक फैक्ट है दिस इज हाउ अल्लाह हैज़ मेड अस हमारा दिल अल्लाह ने किस लिए बनाया उसका मकसद कुछ और इंशाल्लाह विल कम टू इट लेकिन डोप सेंटर्स प्लेजर लेते हैं अब शादी के बाद जिम्मेदारी आती है शेर व शायरी खत्म हो जाती है दोनों बिजी हो जाते हैं वो प्लेजर नहीं मिल रहा होता तो शादीशुदा जोड़ा प्लेजर को मोहब्बत से इक्वेट करता है और लॉयल्टी से इक्वेट करता है और कहते हैं कि अब आप मुझसे वो मोहब्बत नहीं करते या अब मुझे आपसे वो फीलिंग नहीं आती जो पहले आती थी सवाल यह कि वो फीलिंग मोहब्बत थी या वो फीलिंग डोप था या प्लेजर था दिस इज द क्वेश्चन क्या मोहब्बत सिर्फ बात का नाम है कि इंसान जो है वो एक दूसरे की बस तारीफें करते रहे शेर व शायरी सुनाते रहे गाने सुनाते रहे एक दूसरे को नहीं मोहब्बत तो इस चीज़ का भी नाम है कि इंसान कॉम्प्रोमाइज करे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे इंसान एक दूसरे का साथ दे असल मोहब्बत तो तब पता लगती है जब एक आदमी की जॉब चली जाती है उसको जॉब से निकाल देते हैं और उसके बाद उसे पता लगता है कि मोहब्बत क्या है उसकी बेगम उसका कितना साथ देती है और उसके इन लॉज उसका कितना साथ देते हैं वहां पे मोहब्बत पता लगती है तो ये जो मैंने आपको एक पूरा मुद्दा बांधा स्टैटिस्टिक शो किए ट्रू लव ऑसम स्टाफ जॉब मनी रिसर्च के नो awesome वहीं पे आ जाता है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स अल्टीमेटली वहीं पे आ जाता है एक रिसर्च है उसमें उन्होंने तीस हजार डॉलर पर एन वालों से पूछा कितना कमा लोगे तो खुश हो उन्होंने फिफ्टी थाउजेंड डॉलर पर एन आ जाए तो मैं राजी हूं जो पचास हजार कमा रहे थे ना उनके पास गए कहते आप कितना कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था जी कि ये कहेंगे हंड्रेड था। थाउजेंड था। डॉलर कमा लें तो खुश हो जाएंगे उन्होंने कहा नहीं ढाई लाख डॉलर पर रहना आना चाहिए तो हमें खुशी होगी क्या साबित हुआ कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है एक्सपेक्टेशन और ख़्वाहिशात भी बढ़ती हैं अल्लाह के नबी वसलम ने क्या कहा कि इफ़ द सन ऑफ एडम हैड वन वैली ऑफ गोल्ड ही विल वॉन्ट अनदर वन

अलज़ी जमा يحسب वदा ماله सब् كلا अखल في बजन्ना وما वमादरा का मलहतम माल गिनता है माल गिन गिन के रखता है फ़खर करता है माल बनाने में कोई मसला नहीं है इस्लाम इसके अगेंस्ट नहीं है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है इस्लाम कैपिटलिस्ट जो मेंटालिटी है जो ग्रीड वाली मेंटालिटी है उसके अगेंस्ट है इस्लाम माल बना बना के गिनता किस लिए खर्च कर निकाल अल्लाह की राह में इससे मोहब्बत ना पैदा कर इसको एम ना बना ले इसको गोल ना बना ले ये गोरे रिसर्च कर रहे हैं और awesome स्टफ की अगर मैं बात करूं अमेरिकन पैराडॉक्स डेविड मायर्स की किताब है अवार्ड विनिंग बुक है अमेरिकन दी अमेरिकन पैराडॉक्स आप लोग उसका मुतााल कर लें उसका क्या क्रक्स है अमेरिकन पैराडॉक्स अमेरिकन की बात हो रही है ये हमारे कल्चर की बात नहीं हो रही अमेरिकन की बात हो रही है कि पैराडॉक्स क्या है पैराडॉक्स समझते ना किस चीज को कहते हैं ना समझ आने वाली चीज की ये क्या है 1940 में लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स है 7.5, लाइफ सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स है एंड दिस इज दैराडॉक्स कि स्टफ बढ़ने से चीजें बढ़ने से तो खुशी बढ़नी चाहिए थी ये क्या हुआ कि हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो गया और लोगों की लाइफ सेटिस्फेक्शन की जो एक वो चाहत थी वो कम हो गई दैट इज दैराडॉक्स एक बहुत बड़ी रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल स्टडी 1967 से 2003 तक ये रिसर्च चली तकरीबन आप कह लें छत्तीस साल पैंतीस साल और उसमें उन्होंने 1967 के जो लोग थे उनसे कुछ सवाल किए हुए थे कि आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उन्होंने कुछ चीज़ों पे टिक लगाए हुए थे 71 परसेंट ने टिक लगाया हुआ था फिलासफी इन लाइफ परपज एंड फिलासफी इन लाइफ मीनिंग एंड फिलासफी इन लाइफ 2003 में सेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से और लोगों से बाय द वे रिसर्च बहुत से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में हुई थी सेम लोगों से उन्होंने सवाल किया मतलब सेम यूनिवर्सिटी के लोगों से उन्होंने सवाल किया कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ एंड डू यू नो ड्रेस्टिकली ड्रेस्टिकली मेजोरिटी सेट मनी फाइनेंस पर्पज एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ नीचे आ गया लिस्ट में बहुत नीचे आ गया हम कहाँ जा रहे हैं मटीरियलिज़म हमें कहाँ ले जा रहा है हमारी वैल्यूज़ क्यों चेंज हो रही हैं हमारे थाट्स क्यों चेंज हो रहे हैं हम क्यों डिस डिसप्शन में हैं डिसीव हो रहे हैं हम किन चीज़ों को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं हम किन चीज़ों को समझ रहे हैं कि दे मैटर वेर एज़ हमारी ओल्डर जनरेशन फ़ितरत पे थी इवन गोरे फितरत पे थे वो कह रहे हैं हमें फ़िलासफ़ी चाहिए मीनिंगफुल लाइफ चाहिए हमें लाइफ में एक मीनिंग चाहिए हमें पर्पज़ चाहिए लाइफ में वो लोग फितरत पे थे ये शिफ्ट कहां पे आया ये टर्न कहां पे हुआ कि हमने अपनी लिस्ट में मनी को नंबर वन रख दिया हैप्पीनेस में ट्रू लव को रख दिया हमने जो है वो इन सारी चीजों को नंबर वन रख दिया वेयर डिड डिट हैपन ये बात आप खुद सोचें वेयर डिड वी गो रॉन्ग दैट्स द मेन क्वेश्चन तो ये सारी मैंने आपको जो रिसर्चे बताई हैं आप जस्ट टू कंक्लूड लेट मी आस्क यू सम अदर क्वेश्चन लाइफ स्किल्स की अगर हम बात करें ट्रेनिंग के हवाले से लाइफ स्किल्स की बात करें बहुत से इसमें आप मुझे आंसर दे सकते हैं लेकिन मैं आपको अपना परस्पेक्टिव बताता हूँ विच लाइफ स्किल लाइफ स्किल समझते हैं ना वैल्यूज और लाइफ स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस एक लाइफ स्किल है लीडरशिप एक लाइफ स्किल है राइट right? uh, इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स पब्लिक स्पीकिंग एक लाइफ स्किल है आपके नज़दीक आप लोग माशा इंटेलेक्चुअल क्लास है पढ़े लिखे लोग हैं वट लाइफ स्किल शुड बी ऑन नंबर वन इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मैं आपको इनशाला साबित करके दिखाऊंगा मे बी यू कैन डिसग्री बट आई एल गिव यू माई नरेटिव नंबर वन नंबर वन लाइफ स्किल इक्कीसवीं सदी में एनी वन हा जी सॉरी पब्लिक स्पीकिंग ओके एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड मैं भी यही कहता मुझसे जब यह सवाल हुआ था मेरे जहन में भी जी मोबाइल फोन ओके इट्स नॉट अ लाइफ स्किल मोबाइल फोन यूज वैसे ही एक चीज है लेकिन इट्स नॉट अ लाइफ स्किल जी लॉयल्टी लॉयल्टी इज़ अ वैल्यू एक वैल्यू होती है अच्छी बात है लेकिन लाइफ स्किल की बात कर रहा हूं इमोशनल इंटेलिजेंस की मैंने आपको मिसाल दी टीचिंग पब्लिक स्पीकिंग क्रिटिकल थिंकिंग लाइफ स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग कंपनीज हज़ार हज़ार डॉलर लेके ट्रेनर्स आते हैं कहते हैं जी हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे आपके लोगों को हम उन्हें बताएंगे कि यह होती क्या क्रिटिकल थिंकिंग लेट मी गिव यू अ रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में मार्टिन सेलिगमैन का नाम आपने सुना पॉजिटिव साइकोलॉजी फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी सैंपल साइज है दो मिलियन के टू मिलियन का सैम्पल साइज है ह्यूज 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 साइज सर्वे कराया लोगों से पूछा कि सबसे टॉप की आपके लिए वैल्यू और लाइफ स्किल क्या है जिस जिसकी आप में कमी है जिसकी आप में कमी है चार पांच सात आठ ऑप्शन दीजिए टेक करो डू यू नो 70 टू 80 परसेंट पीपल आई फॉर गॉड द एग्जैक्ट फिगर बट वास्ट मेजोरिटी ने किस पे टिक किया सेल्फ कंट्रोल उन्होंने कहा इक्कीसवीं सदी में सेल्फ कंट्रोल एक पब्लिक स्पीकर पे सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है वो क्या पब्लिक स्पीकर है वो तो मुंह फट आदमी वो आके तबाही फेरेगा उसको पता ही नहीं क्या बात करनी है अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर फंस जाते हैं ना खान साहब तो ठीक है बहुत उनकी पॉजिटिव चीजें हैं बट ये आसान काम नहीं है स्टेज पे आके क्या बात करनी है कब करनी है गुस्सा सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का आचार डालना है हमने एक बंदा अच्छा शौहर ही नहीं है गुस्सा उसे बहुत आता है वो क्या शौहर बनेगा क्या उसने रोल मॉडल बनना पब्लिक स्पीकर का हमने क्या करना है सो सेल्फ कंट्रोल मेचोरिटी सेट सेल्फ कंट्रोल इज आर वीकनेस ब्रदर्स एंड सिस्टर देखें अल्लाह हमें दिखा रहा है कि मैंने तुम्हें जो मैकेनिज्म दिया है समझो समझो इसकी इंपॉर्टेंस को समझो हर इबादत इस्लाम की सेल्फ कंट्रोल सिखाती है हर इबादत फास्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नमाज डेली की इबादत तो नमाज तो डेली है ना फास्टिंग तो महीने में साल में एक बार आता है हज सेल्फ कंट्रोल जक़ात सेल्फ कंट्रोल निकाल अपना पैसा ढाई परसेंट स्पेंड कर शो सम सेल्फ कंट्रोल लेट्स टॉक अबाउट सलाह नमाज क्या सिखाती है हमें नमाज अपने कंफर्ट जोन से उठो अपने डोब सेंटर्स जो डाइल्यूट हो चुके हैं उठो ज़रा और सजदा करो अल्लाह के आगे आओ वज़ू करके मस्जिद में जाओ दुनिया से डिटैच हो वरना इस सैलाब में फिरे जाओगे और सेल्फ कंट्रोल अगर तुम्हारा वीक हो गया तो देट से इट खत्म जिस बंदे का सेल्फ कंट्रोल वीक है वो फिर बड़ा कुछ करता है वो फिर तबाही फिरती है सो so, लोग एग्री कर रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल हमें चाहिए ऑल द इस्लामिक रूटीन टीचि सेल्फ कंट्रोल स्टार्टिंग फ्राम सुबह से उठे और रात तक जाए एवरी थिंग इज असोसिएटेड विद रिवार्ड नबी सक साहबी ने पूछा या रसूल हाउ कैन फॉरबियरेंट्स भी अचीव्ड अल्लाह के नबी फॉर बीरेंट्स कैसे आएगी बर्दाश्त कैसे आएगी डी यू नो वट ही रिप्लाईड ही सेट फॉर बीरेंट्स इज कल्टीवेटेड फॉर बियरेंट्स इज कल्टीवेटेड माइंड साइंस आप जिम करने जाते हैं मसल कैसे बनता है एक्सरसाइज करके घर बैठे बैठे मसल नहीं बनता है सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा कल्टीवेट करके बियर करके बर्दाश्त करके नफ्स पे जब्त करके लेकिन वो जब्त तभी आएगा जब आपका लाइफ स्टाइल जब्त करने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट इस्लामिक रूटीन इस्लामिक डाइट देख लें अल्लाह के वसल्लम ने कहा वन थर्ड ऑफ स्टमिक एम्प्टी छोड़ो ये क्या है कि भाई मत खाओ उनकी तरह वन थर्ड को खाली छोड़ो वन थर्ड में पानी हो वन थर्ड में एयर हो वन थर्ड में तुम्हारा खाना होना चाहिए सेल्फ कंट्रोल स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट गुस्सा नबी वसम साहबा को कितनी तलकीन करते थे एक सहाबी आए कहते यारसोल्ला कोई नसीहत करें अल्लाह के नबी नबीम सेड ला ही तख़ यट यारस कोई और नसीहत करें ला तख कोई और नसीहत करें ला तख़ब डोंट बी एंग्री डोंट बी एंग्री डोंट बी एंग्री वट इज दिस टीचिंग सेल्फ कंट्रोल यही है कीमती चीज़ यकीन करें जिस बंदे में सेल्फ कंट्रोल है आप देखें वो बंदा कहाँ जाता है आप देखें रिलेशनशिप्स में वो कहाँ जाता है जॉब में वो कहाँ जाता है इंटरपर्सनल रिलेशन में वो कहाँ जाता है और टॉप पोजिशन में वो बंदा आता है कि नहीं आता है जितने टॉप के लोग उठा लें सेल्फ कंट्रोल चार बजे सुबह उठते हैं सेल्फ कंट्रोल सी ईज टॉप सी ईज की रूटीन आप उठा के देख लें डाइट में सेल्फ कंट्रोल अपने ग्रेटिफिकेशन पे सेल्फ कंट्रोल इनफैक्ट सोशोलॉजी में एक टर्न है डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न डी जितने भी ये लीडर्स हैं दे अडॉप्ट दिस पैटर्न डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न बिकॉज दे नो कि एक चीज़ को रिजिस्ट करना वो बहुत बेहतर है इससे ये कि उस पर अमल कर लेना और बाद में रिग्रेट कर लेना रिग्रेट जो है ना देखें वो एक कोट मुझे याद आ गया कि अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द पेन लाइफ में यू हैव टू टेक द पेन इधर टेक द पेन ऑफ सफरिंग और टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन द चॉइस इज़ योर या डिसिप्लिन की पेन ले लें सुबह सुबह उठें फजर पे डाइट अपनी ठीक करें डिसिप्लिन करें अपने आप को या फिर लगे रहें अल्लाह मालिक है उसके बाद सफरिंग की पेन ले लें ले पे सफ़रिंग होगी जब लोग दिल दुखाएंगे जब थप्पड़ लगेंगे सीधी सी बात है तो फिर उसकी सफरिंग ले लें यही है दिस इज़ हाउ इट इज़ ये सौदा है ये सौदा अब हमने खुद करना है तो पहली चीज़ सेल्फ कंट्रोल एंड ओनली इस्लाम इज़ द आंसर वेस्ट पागल हुए हुए उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हमने कैसे ठीक करना है अपने लोगों को ये जो मॉन्स्टर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं अभी तो ए आ रहा है मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि वो क्या मॉन्स्टर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो यू डोंट नो कि क्या सैलाब हम पर आ रहा है ग्रेटिफिकेशन का सेल्फ कंट्रोल पक्का करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपनी हिफाजत करें हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से अजीब व गरीब वाक़ अजीब व गरीब चीज़ें सुनने को मिलती हैं बहुत तेज़ी से हम फिसल रहे हैं सो कम बैक टू दरिजनल वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ सेल्फ कंट्रोल नंबर टू दूसरी चीज़ जिन पर उन्होंने टिक किया हुआ था एंड दैन इनशा आई कन्क्लूड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड ओके, okay. ग्रैटिट्यूड अब ये कोई आर्ग्यू कर सकता नहीं लीडरशिप क्यों नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑन द लिस्ट यस। वो इन बहुत से ट्रेनर्स हैं मुझसे काबिल वो आपको बताएंगे बट ग्रैटिट्यूड इज सच अ ग्रेट लाइफ स्किल ये बकायदा लाइफ स्किल है और ये एक रवैया है ये एक हैबिट है पीपल हु आर ग्रेटफुल पीपल हु लाइक टू शेयर पीपल हु लाइक टू गिव दे आर मोर हैप्पी Researches हैव बिन कंडक्टेड उनका लाइफ satisfaction, हैप्पीनेस इंडेक्स बड़े सादा से अल्फाज में शाह अहमद साहब समझाते थे ना कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है मैं हम आपके बैकग्राउंड से मैं जी आई के का पढ़ा हुआ हूँ मैं किसी मदरसे से नहीं पढ़ के आ रहा हूँ मैं दुनिया में फिरा हुआ हूँ मुझे पता है मैंने लोग को देखा हुआ है वी नो मैंने अपनी जिंदगी में जो गिवर्स थे ना उन्हें टॉप पर जाते देखा है दिस इज़ वट आई ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज़ होती है ना जिन्होंने चीज़ छुपाई कंजूसी की जिन्होंने गिविंग को छुपाया और हसद किया और ये सारी चीज़ें जिससे हमें हमारा दीन भी मना करता है बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए आगे जाना सो बी अ गिवर ग्रैटिट्यूड करें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करें वट एवर ही हैज़ गिवन यू और वो हदीस याद रखें सन ऑफ़ एडम का पेट सिर्फ मिट्टी भरेगी जाके सो बी थैंकफुल बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव और वट यू कैन डू इज़ के रात सोने से पहले एक बार देख लें वेरी बेसिक एक्टिविटी आप लोग सुन सुन के थक चुके होंगे लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है पांच चीज़ें फॉर विच यू आर ग्रेटफुल इन लाइफ ट्राई टू राइड दीज थिंग्स जो कपल्स होते हैं जिनकी फाइट हो रही होती हैं जिनकी डिवोर्स होने वाली होती है मैंने सर्टिफिकेशन की है मैरिज काउंसलिंग पे तो ब्रूस म्यूज़िक एक बहुत बड़ा माशाल्लाह अच्छा काउंसलर है इसका तो उसने एक हमें एक्टिविटी बताई एप्रिसिएशन जर्नल इसे कहते हैं मैरिड कपल्स के लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ एप्रीसीशन जर्नल क्या होता है कि उसने कहा कि एक डायरी बना लो या एक जर्नल बना लो और उसको ऐसी जगह रखो जहाँ आप सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं घर में तो वो ज़ाहिर है वॉशरूम सबसे ज़्यादा जाते हैं हम तीन से चार बार दिन में जाते हैं तो उसने कहा वॉशरूम में जर्नल रखो एक टेबल पर और पता है करना क्या है जब बेगम जाएगी तो उसने अपने शोर की एक क्वालिटी लिखनी या एक ऐसी बात लिखनी है जिसके लिए उसको याद हो कि यार इसने एक बार मेरे लिए ये किया था क्योंकि ह्यूमन माइंड ट्रेंड्स टू फॉरगेट और जब शौहर जाएगा तो वो बेगम की एक क्वालिटी लिखे कि एक दिन मैं थका आया था इसने मेरे लिए ये सेक्रीफाइस की थी या मुझे इसका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा था और आप उसको लिखें और उसके बाद एक दो दिन बाद उसको आप पढ़ें तो देन सी के हाउ डू यू फील देन सी के एकदम आपकी आंखें खुलती हैं कि नहीं खुलती यार इतनी मेरे लिए करती हैं या ये शख्स इतना मेरे लिए करता है थका आ रहा आता है वगैरह वगैरह यू विल सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे जाता है द पावर ऑफ़ ग्रैटिट्यूड ओके द पावर ऑफ़ ग्रेटफुलनेस एंड द पावर ऑफ़ पॉजिटिविटी तो ये दोनों चीज़ें मैं पूरी साइकोलॉजी खोलने के लिए तैयार हूँ कैसे करना है सिंपली नमाज पढ़ें अगर शॉर्टकट चाहिए इस्लामिक फिलॉसफी इस्लामिक माइंडसेट उसको अंडरस्टैंड करें इस्लामिक वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करें हलाल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें मुसलमान बरकत का कायल है हमें नहीं चाहिए उनका कॉन्सेप्ट हम बरकत के कायल हैं वो उनको नहीं पता बरकत क्या होता है वी नो वट बरकत इज़ बर का इज़ बरक़ा पे रिसर्च करें बरकत कैसे आती है माल में औलाद में लाइफ में बर का कैसे आती है प्रोडक्टिव मुस्लिम एक वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर करें आप हैरान रह जाएंगे किस लेवल का काम हो रहा है किस लेवल की वो रिसर्च ला रहे हैं क्या क्या वो बता रहे हैं डू रिसर्च ऑन इट एंड प्लीज़ आपने कहा अल्लाह मेरे लिए नंबर वन है सो so अपने आप से आज सवाल पूछें हाउ मच यू नो अबाउट अल्लाह डू यू नो हु इज़ डू यू रियली नो हु इज इफ़ यू रियली नो हु इज तो हर नमाज के दस मिनट होते हैं दिन में मैक्सिमम तो दिन में चौदह सौ चालीस मिनट होते हैं चौबीस घंटे चौदह सौ चालीस मिनट हैं तो पचास मिनट डिवाइडेड बाई चौदह सौ चालीस कितना परसेंट है फाइव परसेंट तो इफ़ यू रियली नो अल्लाह तो पाँच परसेंट दिन का वो अल्लाह को नहीं देना अगर आप वाकई अल्लाह को नंबर वन समझते हैं ओनली फाइव परसेंट और उसका रिज़ल्ट हम इसलिए नहीं करते हैं हम शुक्र अदा करने के लिए करते हैं और इबादत के लिए करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन ग्रैटिट्यूड माइंड सेट ठीक होता है स्ट्रेस रिलीज होता है एक्सरसाइज भी होती है और दो ये हमारी नीयत नहीं है मेन करने की हम अल्लाह की इबादत करें लेकिन उसके बेनिफिट्स आप देख लें

Uh, ladies and gentlemen, uh, along with us, we have mr. raja zia saab, who is also a member of youth club, and he is a teacher and a preacher. Uh, he is a muslim with an attitude. you all know him through social media and uh, a lot of a lot of motivational speeches. and today we are so honored that he is among us. so in your huge round of applause, uh, raja zia ul haq बसमिल्ल अलमदिल्ल वसल्ला रसूल वाल वसाव अजमाइन अम्मादा फ़ाउज़ब्ल अमिन शैतरम बसमिल रहीम रबली सदरी السلام वाहमलिस अल्लाम वरम् वर्क अल्हदिल्ल जी इट्स ग्रेट बींग हेयर और यहाँ पर मेरा फ़र्स्ट टाइम मैंने विजिट किया उल्लो मुल्तान में एक दो दफ़ा पहले आ चुका हूँ बट यहाँ पर आने का जो है ना मौका पहली दफ़ा मिला है मैं थोड़ा सा अपना तारफ़ करा देता हूँ आपके सामने वो ये कि बेसिकली मैं मौलवी ही हूँ डिस्पाइट माई आउटर अपेरेंस और वो ये कि मैं एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है वो इंग्लैंड से हुई मोस्टली मैंने अपना बैचलर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समन से किया था कंप्यूटर uh, साइंस में फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में और उसके बाद दुबई में एक अरसा गुजारा वर्किंग फॉर डिफरेंट मल्टी नेशनल कंपनीज़ एंड वो जो एक लाइफ स्टाइल होता है इंसान uh, जो ये सोचता है कि भाई यू ओनली लिव वंस जिंदगी एक दफ़ा मिलती है खा ले पी ले जी ले उस किस्म का लाइफ स्टाइल गुजारा था एंड चूंकि पीछे से फैमिली की तरफ से सपोर्ट बड़ी ज़्यादा थी शायद ज़रूरत से ज़्यादा थी तो यह कि वो अयाशियों में पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान था और पहले भी मतलब दीन पे जब नहीं था तब भी यानी काफ़ी वो था लेकिन जब इंग्लैंड वगैरह गया तो वहाँ पे मेरी और भी ज़्यादा आंखें खुल गई और बहुत सी ऐसी उठपटांग चीज़ों में पढ़ गया और फिर कुछ ऐसे शौक़ भी पाल लिए जो आमतौर पर लोग शायद सोचते भी नहीं है जैसे एड्रेनलिन स्पोर्ट्स होती हैं लाइक स्काई डाइविंग बंजी जंपिंग स्कूबा डाइविंग मिक्स मार्शल आर्ट्स वगैरह बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का शौक़ था और वो मैं सारे शौक अपने पूरे करता चला गया सो so, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और फिर क्या हुआ लाइफ में कुछ ऐसे वाकयात हादसा हुए कि जहाँ से मुझे सोचने का मौका मिला दोज बिग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन दोज़ बिग एग्जस्टेंशियल क्वेश्चन हुर माई वट आर ऑफ लाइफ एंड सो ऑन यू नो दीज क्वेश्चन वुड से लिटरली हॉन्ट मी एट नाइट यानी सुबह के टाइम जितनी आप याशियाँ कर लें लेकिन आपको रात को जो है ना दो ढाई बजे ये ख्याल आता था कि आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है मैं क्या क्या कर रहा हूँ और फिर सोचने का मौका मिला तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यह कि मैं दीन की तरफ आ गया अब वो कैसे आया ये एक कहानी है और वो कभी दोबारा मौका मिला तो आपको तीन घंटे की वर्कशॉप ही करा देंगे उसके ऊपर लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि आई डिसाइडेड टू चेंज माई सेल्फ ये जो आपके सामने विंड्स ऑफ चेंज लिखा हुआ है ना आई डिसाइडेड टू चेंज माई सेल्फ ब्रिंग इज पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ डू आई हैव एनी रिग्रेट्स द आंसर इज नो एज अ मैनर फैक्ट आई वुड से कि अगर आप मुझे दस अरब रुपया भी दें और आप कहें कि ज़्यादा भाई आप अपनी उस लाइफ में वापस चले जाएं आई वुड प्रो बैक टू दैट लाइफ बिकॉज नाव आई नो वॉट इट फील्स लाइक जो इस्लाम की हलावत है ना हलाव ईमान जो होती है वो जिस बंदे को ज़ायका मिल जाए ना वो फिर वापस नहीं जाता होता उसको पता है असल खुशी सुकून कहाँ पर वेर इज रियल ट्रैंक्वेलिटी अल्लाह तौरतेब यकी तिक्र में ही दिलों को इतमान मिलता है दुनिया की चीज़ों में डोंट गेट मी लॉन्ग मजा है अच्छी गाड़ी चलाने का अपना मजा है अच्छे घर में रहने का अपना मजा है चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मजा अपना है लेकिन ये चस्के हैं ये इनर पीस नहीं है इनर पीस में और चस्के में जमीन आसमान का फर्क है इनर पीस बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है आपके पास जेब में एक रुपया ना हो तब भी इनर पीस हो सकता है और करोड़ों रुपये होकर भी इनर पीस हो सकता है तो वो माल पर डिपेंडेंट भी नहीं है इनर पीस जो है वो इनर पीस जिसकी लोग तलाश करते हैं कि यार मेरे दिल में सुकून क्यों नहीं है सुकून चैन क्यों नहीं है आराम क्यों नहीं है मैं रिलैक्स क्यों नहीं हूँ मैं बेचैन क्यों इतना ज्यादा ये बेचैनी और बेकरारी जो है ना ये इंसान जब अल्लाह ताला से दूर होता है तब इंसान की लाइफ में ज्यादा बढ़ जाती है इसीलिए फरमाया फरमाए अलाबिक्राकूब यकीन अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों को बनाने लगे अब वो कैसे मिलेगा ये बड़ी कहानी है मैं एक, एक्चुअली फोकस करना चाह रहा था वो इस बात पर था कि हमारी लाइफ में जो भी हम लोग गलतियां कोतियाँ करते हैं ना हमसे गुनाह हो जाते हैं अब ये ना समझें कि गुनाह जो है ना वो गुनाह करके बंदा बच के निकल जाता है पतली गली से ऐसा नहीं होता अल्लाह ताला के कानून है दो किस्म के लॉज है अल्लाह तला के मैं एक छोटा सा फलसफा बताऊंगा आपको उसके बाद छुट्टी है आपकी वो फलसा ये है कि जब भी आप अल्लाह के कोई कानून को तोड़ते हैं जो कि अल्लाह के तरिया कानून है ये भी अल्लाह का लॉ है जो नेचुरल कानून है वो भी अल्लाह के हैं दोनों लॉज अल्लाह के हैं लाइक एक लॉज वो है हैं जिनको हम लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं या जिनको हम नेचुरल लॉज कहते हैं कोट ऑन कोट ये लॉज भी न्यूटन ने नहीं बनाए ये अल्लाह ने बनाए न्यूटन ने डिस्कवर किए है बाकी साइंसदानों ने वो लॉज डिस्कवर किए होते हैं मिसाल के तौर पर ये पेन है आपके सामने इस पेन को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा नीचे आएगा फ़ौरन आ गया छह महीने लगा के आएगा फ़ौरन आएगा ये अल्लाह का, का कानून है ये मेरा कानून नहीं है ना, या, ना ही न्यूटन साहब का है ये कानून अल्लाह का है कि जब आप चीज को ऊपर फेंकते हो वो नीचे आ जाती है एवरी सिंगल टाइम एवरी सिंगल टाइम ये मैं दस लाख दफा भी ऐसे करूंगा दस लाख दफा ऐसे होगा ये कानून है ये लॉ है अगर आपको पता है होते अल्लाह के ये कवानीन ना होते हम साइंस ना कर सकते साइंस हम क्यों कर सकते हैं जब भी पानी में नमक मिलाएंगे तो नमक वाला पानी बन जाएगा ये नहीं होगा जी कभी मैंने बनाया तो नमक वाला बन गया कभी रू अफजा बन गया कभी पेप्सी बन गई ऐसे थोड़ी होता है फिर तो साइंस हो ही नहीं सकती थी वो साइंस होती क्यों है? फिजिक्स क्यों होती है बिकॉज दीज लॉज एग्जिस्ट इन लॉज की सर्टन वैल्यू है नाइन पॉइंट एट हम इसकी वैल्यू पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू क्या ये है ये लॉज है अल्लाह के बनाए हुए का जो है ना सारे कवानीन है तो ये नेचुरल लॉज भी अल्लाह के हैं और ये जो हराम और हलाल के लॉज हैं ये भी अल्लाह ताला के हैं दोनों अल्लाह के हैं और जब इन कवानीन को तोड़ेंगे तब भी मसला होगा जब इन कवानीन को तोड़ेंगे तब भी मसला होगा मसला कैसे आपने अक्सर वो कार्टून में ना मुझे बचपन में, में कार्टून देखने का बड़ा शौक़ था खास तौर पर वो टॉम एंड जेरी बग्स बनी रोड रनर मुझे बहुत पसंद थे तो उसमें अक्सर वो आपने कार्टून में सीन देखा होगा कि एक बंदा जो है वो चलते चलते जो है वो फॉर एग्जाम्पल कोई टॉम एंड जेरी में कह लें या किसी और में वो पहाड़ की चोटी है ना ऐसे करके पहाड़ की चोटी से चार कदम आगे चला गया आगे जाने के बाद उसको ख्याल आता है कि मैं ख़ला में इस वक्त मोलक हूँ फिर वो पैसे पाँव लगा के ना चेक करता है कि जगह है कि नहीं है और फिर वो नीचे गिर जाता है यानी पाँच छः सेकेंड के बाद गिरता है वो यानी जब तक उसको ख्याल नहीं आया था ना कि मैं हवा में हूं तब तक वो नहीं गिरा चार पांच कदम आगे लेके जब आगे आगे आप फिर नीचे गिरता है तो ये कार्टून में तो हो सकता है रियलिटी में ऐसा नहीं है रियलिटी में जैसे ही आप पहला कदम रखेंगे बाहर आप नीचे गिर जाएंगे ये कानून है दैट्स हाउ लॉ वर्क्स अल्लाह ताला की जो ये नेचुरल लॉज है ना ये इंस्टेंटेनियस होते हैं इंस्टेंटेनियस इसका रिजल्ट फौरन आ जाता है आप आग को हाथ लगाएंगे तो छह घंटे के बाद हाथ जलेगा या फौरन जल जाएगा फौरन जलेगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा अच्छा इसी तरह से कोई बंदा है वो पानी पे चलने की कोशिश कर रहा है पानी पे चलना शुरू किया यानी ज़मीन से चलते चलते लेक पे एक दरिया पे भी चलना शुरू कर रहा है दरिया में जैसे पहला रखेगा अंदर डूब जाएगा या डूबेगा या तैरना पड़ेगा तो ये अल्लाह के कानून है पानी की खास डेंसिटी है वो पानी में और ज़मीन में फ़र्क है पानी की अपनी एक बिस्कॉसिटी है एक अपनी डेंसिटी है वो उसके मुताबिक क्या कर रहा है अल्लाह का कानून है अल्लाह ने पानी को यूं बनाया अल्लाह ने मिट्टी को यूं बनाया तो ये कानून भी अल्लाह के हैं जब इनको आप तोड़ने की कोशिश करते हैं आपको फौरन से चोट लग जाती है आप गिर जाते हैं आप डूब जाते हैं कोई और परेशानी होती है अच्छा अब दूसरी तरफ अल्लाह के कुछ और कवानी हैं वो कवानीन कौन से हैं मसलन अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना अब ये कभी हुआ कि आपने झूठ बोला हो अल्लाह का, का कानून तोड़ा अल्लाह ने कहा सच का हुक्म दिया झूठ से मना फरमाया आपने झूठ बोला और जुबान पर एकदम से करंट लगी हो आपको नहीं हुआ इंसान ने कोई हराम खाया पिया हो और उसके पेट में आग लग गई हो मतलब कोई हराम या तो चीज जो बजाते खुद हराम है जैसे कि शराब है या खंजीर का गोश्त है या वो चीज जो आपके माल की वजह से हराम है क्योंकि आपने पैसा चोरी का था पैसा हराम का था उससे आप चिकन बर्गर भी खाएंगे तो वो हराम होगा क्योंकि आपने माल ही हराम किया सोर्स में मसला आ गया तो कोई बंदा जिसने हराम खाया और उसके पेट में आग लगी लग हो दिमाग फट गया उसका ऐसा तो नहीं होता बड़े बड़े लोग हैं वो शराबे भी पी रहे हैं खंजीर का गोश् भी खा रहे हैं खुशी से खा रहे हैं बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कहते हैं वॉट अ लवली मील इसी तरह से बहुत से लोग हैं वो हराम कमा के हराम खा रहे हैं no problem, everything is fine. मेरा सवाल आपसे है कि जब इंसान अल्लाह की शरीयत को तोड़ता है क्या वाकई में कुछ नहीं होता पूरी कायनात के अंदर के कुछ होता है होता है। अच्छा एक लड़का लड़की है वो एक हराम रिलेशनशिप में सारी रात किसी पैकेज पे लगे हुए हैं क्योंकि वो पैकेजेस भी आज बड़े मजे मजे के आ रहे नाइट सारी रात बात करें ये मोबाइल कंपनी वाले बड़े तेज़ लोग होते हैं मैंने कुछ काम किया मोबाइल कंपनी के साथ भी बड़े तेज होते हैं उनको पता है कि ये ऑल नाइट पैकेज भाई ऑल नाइट आपने भूपी चान से बात करनी है वो टारगेट यूथ के लिए करते कहते हैं तो नौजवानों को पैकेज दो ये बेटा रात बारह से लेकर सुबह आठ बजे तक सिर्फ दो रुपये में सारी रात बात करो बस सारी रात मैंने खाला जान को फोन करना है खाला आप कैसे हैं कहें जल जा कर सो जा ठीक है ना किधर रात को मुझे दो बजे कॉलेग खड़का रहे हो कोई तमीज़ करो बेटा ये क्यों कहूँ कोई टाइम है कॉल करने का लेकिन वहाँ जब कॉल करेंगे तो बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो तो बात यह ये, ये लोग ये जो पैकेजेस बनाते हैं ये भी उनको पता होता है कि इन्होंने क्या करना लेकिन आ, आप सारी रात बात कर रहे हैं हाँ हाँ बहुत प्यार है तुमसे बड़ी मोहब्बत है फिर वो रात को अच्छा चलें अब बहुत लेट हो गए सुबह फजर का टाइम हो गया पाँच बजने वाले चलें आप फ़ोन बंद करें नहीं नहीं आप करें नहीं मैं कह रहा हूँ आप करें नहीं नहीं प्लीज आप सुने ना मेरी बात आप फ़ोन बंद करें तो बात ये ये सारी रात जो बातें चल रही हैं आप आपको यार मुझे तो बड़ा मज़ा आया मैं तो बड़ा इन्जॉय किया आपने अल्लाह ताला की शरीयत का एक उसूल तोड़ा है आपने अल्लाह के कानून तोड़ा है ठीक है क्योंकि हमें तो हुक्म था कि जी जब दो नाम महरम एक साथ होते हैं बीच में तीसरा शैतान होता है और अगर आपने बात करनी है तो आप शादी कर लो यार निकाह कर लो खत्म अल्लाह खैर से बात ही खत्म होगी लेकिन नहीं हराम करोगे तो क्यों? आपको लगता है नहीं नहीं अल्लाह की कानाथ में कुछ नहीं होगा दो लोग लगे हुए रात को बड़ा मज़ा आ रहा है हराम को जो ना खाना खा रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है झूठ बोल रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों के बारे में गीबतें करूँ बड़ा मज़ा आ रहा है यार बड़ा मज़ा आ रहा है तो आप अल्लाह ताला के कानून तोड़े जा रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यकीन रन होगा क्योंकि ये जब ये कानून तोड़ते हैं ना जो लॉज जो नेचुरल लॉज हैं तो उसका रिएक्शन फौरन मिल जाता है इनका रिएक्शन मसला यह है, देर से मिलता है लेकिन खुदा की कसम मिलता जरूर है मिलता जरूर है अल्लाह सुबह तला फरमाते कुरान मजीद में वमा मुसीबत फोन कसीर जो भी मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आई है वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से है और अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला है पता नहीं कितनी तुम्हारे गुनाह अल्लाह ताला ने वैसे ही फ्री में माफ कर दिए है लेकिन उसूल सुन लो फलसफा समझ लो जो मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आती है वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से है वरना अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला था अल्लाह ने तो तुम्हारे इतने सारे माफ़ किए जो तुम्हें पता भी नहीं अल्लाह ताला ने माफ कर दिए जो तो चार पांच पे पकड़ा तो तुम्हारी हालत हुई भी है आदम सलाम से गलती हुई आदम सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने मना फ़रमाया आपने वहाँ नहीं जाना वला शजरा ज़ालिमीन आपने उस दरख्त के पास नहीं जाना अगर आप गए आप िम हो जाएंगे शैतान ने बेकावे में डाल दिया शैतान ने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं होता तुम्हारी उम्र दराज हो जाएगी फिला हो जाएगा डमका हो जाएगा आदम चले गए अब गलती हुई तो क्या कहा उन्होंने रबाना झलम नान फुसाना यहाँ मुझे गलती हो गई वह तक मडिय स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी जिंदगी में जो मुसीबतें आ रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोशनल है मेरे गुनाहों के साथ जो मुसीबतें मेरी जिंदगी में परेशानियां टेंशनें आ रही हैं वो मेरे गुनाहों के साथ डायरेक्टली को रिलेटेड है मैं अगर, अगर अपने इन गुनाहों से तोबा कर लूं तो मुसीबतें कहां जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी सिंपल सिंपल सा फलसफा है आदम अलैहि सलाम पे मुश्किल आई उन्होंने कहा रब्बाना ज़लमना अनफुसना फसाना रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना मिनल खासिरीन या अल्लाह अगर तूने माफ़ ना किया तो मैं तो खसारे वालों में हो जाऊंगा यूनस सलाम अल्लाह के नबी हैं वो भी एक बस्ती की तरफ गए उन्होंने उनको दावत दीन दी उन्होंने दावत दीन कबूल नहीं की यूनस सलाम समझे कि शायद ये मिशन मेरा खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने कहा भाई दावत दी है नहीं कबूल कर करा चलो यहां से फिर तो असल में अंबिया को ना अल्लाह के हुक्म का वेट करना पड़ता है कि अभी आपने हिजरत नहीं करनी जब तक हुक्म ना आ जाए इसीलिए नबी करीब ने भी वेट किया जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीना नहीं गए वरना वो कब के छोड़ चुके इनको जा चुके होता कि यार ये तो सारे पत्थर मारने पर आ गए तयफ के लोग जो हैं अब कौन सी दावत दीन है तो यूनसम वहां से निकले चले गए अल्लाह ने उनको मछली के पेट में डाल दिया यू नाम अल्लाह के नबी मछली के पेट में और क्या दुआ कर रहे हैं ला इन्नी जालमीन या तू पाक है है जुल्म तो मैंने अपने साथ किया क्या हुआ जब उन्होंने दुआ की मछली के पेट में यानी समुद्र की गहराइयों के अंदर अंधेरों के ऊपर अंधेरे के ऊपर अंधेरा मछली के पेट के अंदर है मछली ने क्या किया उनको जाके किनारे पर ड्रॉप कर दिया क्यों क्योंकि उन्होंने अल्लाह त्याला मुझे माफ कर दे। ला अंता की नहीं तो अगर मैं और आप तोबा कर लें तो हमारी मुसीबतें जो हैं वो चली जाएंगी अल्लाह कुरान मजीद में, में सलाम का वाक्य बयान करते हैं नूसम नौ सौ 950 साल दावत दीन दी कितने साल? साल, साल। हो, बंदे की तो ऐसी हो 950 साल उनको उम्र दराज कर दी उनकी वो कहते हैं अल्लाह ताला को या अल्लाह मैं इनको सुबह में पुकारता हूँ मैं रात में पुकारता हूँ मैं इनको आहिस्ता आवाज़ में पुकारता हूँ ऊँची आवाज़ में मतलब मैं अगर अपनी ज़ुबान में कहूँ तो मैंने इनको लेक्चर भी दे के देख लिया है मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है मैंने इनको फ़ोन भी करके देख लिया है मैंने इनको किताब भी गिफ्ट की है मैंने इनको कोई डी वी डी भी ला के पकड़ा दिया है या अल्लाह ये तो हिदायत पर आ ही नहीं रहे मैंने हर तरीका आज़मा के देखी सुबह में शाम में दिन में रात में पर्सनली प्राइवेटली हर तरीके से मैंने कर लिया ये तो बदतरीन से बदतरीन होते चले जा रहे हैं ये कौन लोग थे ये वो लोग थे जो मुशरकिन थे शिरक करते थे इन न शिरक अला ओम नज़ीम सबसे बड़ा गुना जो सफाई हस्ती पर हो रहा है वह शिरक हो रहा है वो शिरक करने वाले लोग थे तारा फरमाते गुलाम मजीद में कोई भी गुनाह माफ हो सकता है मैं शिरक माफ़ नहीं करूंगा जो बंदा हालत शिरक में फोत हो रहा है बाकी कोई कातिल भी अल्लाह होल्ला तलामान रही में माफ कर सकता है मरने के बाद यानी उसका कोई ना कोई मामला अपनी जो भी उसका होगा मामला हो उसके बाद अल्लाह इवेंचुअली उसको माफ़ कर देगा अगर वो तौहीद पर था लेकिन जो शिर की हालत में मर रहा है अल्लाह के साथ दूसरा शरीक कर रहा है उसकी कोई बख्शिश नहीं है मरने के बाद यानी मरने से पहले वो तोबा कर ले तो हमारा भाई है इस्लाम के अंदर अलहमद कोई हमें उससे कोई हमें जो ना प्रॉब्लम नहीं है तो ये अब क्या मामला बन रहा है इनका जी ये नूअ स्लम की कौम कौमकिन की कौम है नौ सौ पचास साल हो गए दावत बंदे चेंज नहीं हो रहे नू असलम उनको दावत देते हैं क्या कहते हैं कहते हैं कि फकुल तुस्त फिर ना गफारा नूअ सामने कौम से कहते हैं कि अगर तुम भी तोबा कर लो फकुलना गा तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो तुम भी जो मुशरकिन हो तुम भी अगर तौबा कर लो यकीन अल्लाह ताफ़ करने वाला है ना सिर्फ यह कि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाएगा बल्कि यानी अल्लाह ताफी मांगे माफ़ ही कर दे बड़ी बात है ना सिर्फ यह कि अल्लाह माफ करेगा बल्कि युर्सम आलै को मिदरारा अल्लाह ताला आसमान से रहमत की बारिश नाजिल करेगा वो बारिश जो हम पे अभी नाजिल नहीं हो रही पूरे पंजाब में स्मॉग फैली हुई है लोग दुआएं कर रहे हैं मसला क्या है मसला ये नहीं कि आर्टिफिशियल बारिश होनी चाहिए मसला ये गुनाहों से तोबा करो अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं तुम तोबा करो कि बारिश मैं बरसाऊँगा फकुल तो फिर उ रब इन न हु ना गफ्फ़ारा युर्सम को मदरा पहली चीज़ व युम दिद तुम भी अंबाले तुम्हारे माल में इजाफ़ा होगा तुम्हारी औलाद में इजाफ़ा होगा वजनातिन वजुम अनहारा पांच चीज़ें होंगी माफ़ी के अलावा अल्लाह तौला फरमा रहे हैं मैं माफ तो करूंगा ही करूंगा लेकिन आसमान से रहमत की बारिश भी बरसा दूंगा माल मिलेंगे तुम्हें डॉलर मिलेंगे नोट मिलेंगे तोबा करने से रिस्क में इजाफा होगा तोबा करने से और तुम्हारी औलाद में इजाफा होगा नक और साले औलाद अता फरमाऊंगा और तुम्हें बाग़ा अता फरमाऊंगा हरे भरे बात दूंगा और उनमें नहरों को जारी कर दूंगा इसको एक वर्ड में हम कहते हैं प्रोस्पैरिटी खुशहाली तोबा करने वाले बनोगे लाइफ में क्या आ जाएगा खुशहाली आ जाएगी कोई आप चाहते हैं आपकी लाइफ में खुशहाली आए तो फार्मूला क्या जनाब तोबा तो ये जो तोबा है ना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है तोबा से इंसान के मुश्किलें मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाती हैं जो इंसान तोबा करने वाला होता है तो अगर इंसान दिल में इरादा कर ले यार मैं कि यार्ला मुझे माफ़ कर देना मुझसे गलती हो गई तो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं कि फुल या इबाद यह लजीन अशरफ उलफुसि तक नहम्ह इन अल्लाह जुनू ब जमिया ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी ज़ात के साथ जुल्म किया है अल्लाह तला की रहमत से मायूस नहीं होना क्योंकि अल्लाह तो तमाम तो गुनाहों को माफ़ कर देता है आप अगर तोबा करने वाले बन सकते हैं मेरा प्यारा रब माफ भी कर सकता है बल्कि ना सिर्फ अल्लाह आपको माफ़ करेगा अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा इन अलाबाबिन व युहबुलम ये तोबा बड़ी बला चीज़ है तोबा बड़ी बला चीज़ है तोबा आपकी ज़िंदगी में से मुश्किलों को दूर करती है तोबा आपकी लाइफ में खुशहाली को लेके आती है अल्लाह हैं सूरत तलाक सूरत नंबर टू एंड थ्री में वै तक याखरजा वु मैं नहीं सोलह तसब वो मैं तबक्सबो अल्लाते जो शख्स भी अल्लाह का तखवा अख्तियार करेगा यानी तकवा क्या है परहेजगारी है किससे परहेज है चीनी खाने से परहेज है या तली हुई चीजें खाने से परहेज है तकवा गुनाओं से परहेज का नाम है इंसान के दिल में खुदा खोफी ऐसी आ जाए वना छोड़ दे अल्लाह तारा फरमा रहे वो मैत जो भी जो भी कोई हो कोई भी हो वो अल्लाह का तकवायार कर ले गुनाहों को छोड़ दे अल्लाह तार फरमाते हैं या जो अल्लाह मखराजा उसको मुसीबतों से खारिज होने की जगह मैं दूंगा मुसीबतों से उसको मैं निकालूंगा जो तुम्हारी टेंशन है ना अल्लाह तारा कह रहा है मैं निकालूंगा भाई ये मेरा वादा नहीं है मेरा वादा ना दो नंबर हो सकता है फ्रॉड हो सकता है अल्लाह तला कुरान मजीद में वादा कर रहा है कि अगर तुम तोबा करने वाले बन जाओ नेकी के रास्ते पर आ जाओ अल्लाह तारा कह रहे मुसीबतों तुम्हारी जो टेंशन है उनसे बात मैं निकालूंगा अल्लाह गारंटी दे रहा है अल्लाह की बात पर कोई शक है एक यहां पे कोई रेडी वाला हो ना रेडी वाला वो कह रहा हो जी सेब मैं बेच रहा हूं सौ रुपए किलो अब अगर मैं उसको सौ रुपए देता हूं तो वो मुझे कितने सेब देगा किलो ही देगा ना मुझे कोई शक तो नहीं है मैं बेहतर तो नहीं, नहीं दोबारा करो दोबारा चेक करो पचास दफा चेक करो उसे वो सौ रुपया दूंगा मुझे गारंटी है मुझे एक किलो सेब ही देगा एक किलो कुछ और चीज़ नहीं देगा सेब ही देगा सौ रुपए दिए तो हमें उस रेडी वाले का इतबार है कि सौ रुपए के बदले किलो ही मिलेगा तो अल्लाह ताला जो कह रहा है कि तुम तोबा करने वाले बनो मुसीबतें तुम्हारी मैं दूर करूंगा एक हाथ से दो एक हाथ से लो तुम तोबा करो ना तुम्हें जो मुसीबतें हैं तुम्हारी मैं दूर करता हूं अल्लाह ताला कह रहा है वो मई तक या फरमा वह मीन नहीं सोलह और ना सिर्फ कि तुम्हें मुसीबतों से निकालूंगा तुम्हें रिस्क दूंगा मैं वहां से जहां से तुमने सोचा भी नहीं होगा अल्लाह अकबर कबीरा इसके अलावा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं रिस्क दूंगा उधर से नोट दूंगा रिस्क दूंगा पैसा दूंगा खुशहाली दूंगा जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं होगा वो तेरी कैलकुलेशन में भी चीज नहीं थी कि भाई यहां से भी रिस्क आ सकता है अल्लाह ताला तह रहे मैं वहां से दूंगा और फिर फरमाया वो मई यह तवक हिफा हंस वो जो अल्लाह पर तोल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा मुझे बताया अगर अल्लाह मेरे और आपके लिए काफी हो जाए उसके बाद जिंदगी में कोई टेंशन रहती है पीछे सिंपल सी बात है कुराना मजीद खोल खोल के ये बातें बयान कर रहे हैं हमारे सामने हम पता नहीं कहां चल रहे हैं हम पता नहीं किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं दीन हमें किधर लेके जाना चाह रहा है अल्लाह तारह रहे तू तोबा कर अल्लाह की तरफ लौट के और अल्लाह का बंदा बन अल्लाह का बंदा बन अल्लाह की तरफ लौट के देख तेरी लाइफ में खुशहाली कैसे आती है मैं जिस लाइफ स्टाइल में पहले था पैसा अब दौलत होने के बावजूद टेंशन डिप्रेशन में समझ नहीं आ रही क्यों हो रही है भाई रात को नींदे नहीं आ रही रात को नींदे उड़ी हुई है पता नहीं क्या डिप्रेशन जो है ना ऊपर आई हुई है जैसे इस तरफ आया अल्लाह ताला ने दिल को रिलैक्स करके रख दिया बिल्कुल रिलैक्स पहले मुझे नींद नहीं आती थी अभी मुझे आप चार सेकंड ने मुझे आपके सामने सो जाता हूं मैं लिटरली ये हाल है तो अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं ना कि छोटा सा फॉर्मूला पकड़ लें मैं आखिर में सिर्फ एक वाक्य सुना के बाद को रैपअप करता हूं एक बहुत बड़े हमारे इमाम गुजरे इमाम अहमद बिन हमल रही बहुत बड़े इमाम गुजरे एक दिन जी वो मस्जिद में फजर की नमाज पढ़े थे फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो है ना वो उनको ऐसी ख्याल आया कि आज घोड़े पे बैठते हैं और सफर करते हैं वैसे ही मतलब एक होता है ना बंदे की रूटीन होती है कि सफर करना उनकी कोई रूटीन नहीं थी ऐसी बहुत बड़े में दीन बहुत बड़े इमाम है एक दिन सुबह फजर की नमाज़ के बाद बस वैसे ही घोड़े पर बैठे और निकल पड़े चलते गए चलते गए चलते गए कितना लंबा कोई चार पाँच घंटे का सफर करके किसी गाँव में जाकर पहुँच गया वहाँ जब पहुँचे सुबह के अब ग्यारह साढ़े ग्यारह बज रहे हैं तो वो किसी मस्जिद में पहुँचे उन्हें कहा भाई मुझे कोई यहाँ पे कोई थोड़ा सा बंदा जो ना रहने के लिए कोई टाइम दे दे थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने आप को रेस्ट कर लूँ तो जो खादिम था मस्जिद का उन्हें कहा नहीं 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 उसने पहचाना ही नहीं उनको उसने कहा बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं आप यहाँ से बाहर जाएँ अभी तो जो है ना मस्जिद बंद है उन्होंने कहा बहुत मेहरबानी होगी यार जरा मस्जिद खोल दो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ उन्होंने बाबा जी अभी टाइम ही नहीं है मस्जिद का जी मस्जिद का टाइम होगा ज़ोर का टाइम होगा तब आप आएँ ज़ोर के बाद बेशक लेट जाना अभी अभी मस्जिद बंद है अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि एक और शख्स वहाँ से गुजर रहा है उसने कहा भाई क्या हो गया क्यों क्यों आप बाबा जी को तंग करें उन्हें कहा यार ये असल में ना आ गए हैं कह रहे हैं मस्जिद खोलो मैं अभी टाइम नहीं है सफाई करनी है जो भी है तो उसने कहा बाबा जी आप इसको छोड़ें आप मेरे साथ आए आप आएँ मेरे साथ मैं आपको ना खाना शाना खिलाता हूँ आप जरा मेरे पास रेस्ट कर लें वो चला गया उसकी दुकान थी बंदे की तंदूर था उसका वो इमाम अहमद एम नंबल रही तक को पकड़ के तंदूर के पास ले गया वहाँ जाके अब आप रोटियाँ बनाना शुरू कर रहे वो रोटिया और दाल चने चने जो भी वहाँ पर पकता था वो उसको साथ पक रहा है अब वो 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 रोटियाँ लगा रहे इमाम साहब नोट कर रहे हैं कि ये जो बंदा है ये जब भी रोटी लगाता है तो ये इसका मुँह हिल रहा है मुस्तकिल तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुस्तकिल तौर पर क्या पढ़ रहे हैं कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो उसने कहा कि बाबा जी मैं तो बस इस्तार कर रहा हूँ अल्लाह का बस अस्तफ़ार करता हूँ मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं कोतियाँ हो जाती हैं इस्तफरल्ला अल्लाह माफ़ फरमाए बहुत गलतियाँ होती हैं कुछ गलती से होती हैं कुछ जानबूझ के हो जाती हैं तो अल्लाह से बस माफी अल्लाह ताली माफ़ फरए तो मेरी बस आदत है कि जब भी मैं रोटियाँ लगाता हूँ मैं इस्तफार करता रहता हूँ साथ तो मैम साहब ने कहा कोई फ़ायदा हुआ इसका कहते फ़ायदा ऐसा वैसा कहता आप देखें मेरी यहाँ पर रोटी इतनी है कि अभी यहाँ अभी यहाँ लोग नमाज के लिए आएंगे ना तो हमारे इस गाँव में कोई छः सात हैं तंदूर वाले लेकिन जितना रश मेरी ही दुकान पे लगेगा आपकी सोच है किसी और की दुकान पे नहीं हालांकि मैं क्या बस यही है तंदूर है रोटियां और दाल चने चने बस यही है लेकिन इतना रश होगा कि आपकी सोच है और इतना रश किसी की दुकान पे नहीं इतना रिस्क दिया अल्लाह ताला ने मैं तोबा करता हूं मैं इस्तिगफार पढ़ता हूं अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क खोल के रख दिया कोई टेंशन ही नहीं मेरी जिंदगी में और मैं जो दुआ मांगता हूं बाबा जी वो कबूल हो जाती है जो दुआ मांगता हूं कबूल होती है इमाम साहब कहते हैं अच्छा बड़ी हैरान इमाम साहब बड़े हैरान होकर बड़ी हैरत की बात है वैसे कमाल बात है आपने जो बात कही है कहता बस एक थोड़ा सा गिला है कहता उनका वो क्या कहता गिला ये है कि एक दुआ पिछले हफ्ते से मांग रहा हूं अभी तक पूरी नहीं हुई उन्होंने कहा वो क्या दुआ है कहते वो दुआ ये है कि आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़े इमाम है यहाँ पे रहते हैं अहमद एम अंबल नाम है उनका इमाम साहब ने कहा हाँ हाँ नाम तो सुना हुआ है कहते हैं बस मेरी ना बड़ी ख्वाहिश है मुझे ना अल्लाह ताला के दीन के साथ जो लोग जुड़े होते हैं ना उनसे बड़ी मोहब्बत होती है दुआ ये है कि अल्लाह ताला कभी उनका दीदार करा दे कभी मैं भी उनके साथ कदमों में जाके बैठू उनसे सीखूँ कोई इल्म की दो बातें कोई दीन की बातें जो ना मेरे पल्ले भी पड़ जाएँ मैं वैसे अनपढ़ आदमी हूँ मुझे पढ़ना लिखना कोई नहीं आता लेकिन मैं अल्लाह के बंदों से बड़ी बहुत मोहब्बत करता हूँ और इमाम साहब से तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मोहब्बत है मुझे तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ बस काम की मसरूफियात ऐसी हैं कभी जाना ही नहीं हुआ तो बहुत दूर रहते हैं चार पाँच घंटे का सफ़र है सर मैं कैसे जाता इमाम साहब ने उसको गले लगा लिया खुदा की कैसे मुझे नहीं पता तू कौन है यार मुझे नहीं पता लेकिन लगता ऐसे कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझे उठा के तेरे पास भेज दिया मैं इमाम अहमद एबनबल हूँ कहते हैं मुझे यकीन है इस बात का बेटा कि अल्लाह ताला ने तेरी अश्तफार की वजह से अल्लाह ताला ने ये नहीं चाहा कि तू मेरे पास आए अल्लाह ने मुझे उठा के तेरे पास भेज दिया और कहते हैं मुझे नहीं पता मैं आज फजर के बाद क्यों निकला मुझे नहीं पता मैं क्यों निकला ना मेरा मामूल है ये करने का लेकिन लगता ऐसा ही है कि जो है ना रब ताला ने मुझे वहां से उठा के तेरे पास भेज दिया कि मेरा एक बंदा है वह तुझे बहुत पुकारता है आप सोचें यह अल्लाह तला के मामला होते हैं यह अल्लाह ताली के मामला होते हैं भाई ये शराब पर चल के तो देखो पता चलेगा कि असल ज़िंदगी खुलती किस तरह से लोग अपनी मुसीबतों में बैठे हुए परेशानियों में कभी इसके पास जाते हैं कभी उसके पास जाते हैं कभी टेंशनों में चलते हैं समझ नहीं आ रहा कि जी हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं हालांकि अल्लाह ताला कह रहा है कि तू तौबा करके इस रस्ते पर आ तेरी सारी मुश्किलों फिक्रों का जिम्मा मेरी तरफ है माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग ना अल्लाह को ये नहीं बताते कि हमारे प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं हम अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है फिर इंसान के दिल में ना टेंशन ही रहती तो इन बस मैं ये चाहता हूँ कि आज जो भी छोटी सी बात आपके सामने पेश की है बस एक दिल में नियत कर लो कि जो भी देखो गलती कोत हुई है गलतियाँ तो सबसे होती हैं की हदीस भी है कि हर इन आदम खताकार है लेकिन उनमें से बेहतरीन वो हैं जो तौबा कर लेते हैं बस दिल में ये इरादा कर लो कि यार मैंने तौबा करनी आज आज से मैंने इस्तेफ़ार करना है मैंने तबा करनी यार गलतियाँ हर बंदे से होती हैं अगर गलती गलती से तौबा कर ली और फिर दोबारा गलती हो जाए फिर क्या करें फिर तोबा कर अच्छा फिर गलती हो जाए फिर तौबा करो हज़ार दफ़ा हो जाए हजार दफा तोबा करें अल्लाह माफ करने से नहीं थकेगा आप हो सकता है थक जाए आप हो सकता है तोबा करने से खुदा ना खास्ता तोबा कर लें अल्लाह थकता था नहीं है माफ़ करने में नबी करीम फरमाते हैं गुना करके तोबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुना किया ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन है आप तोबा करो बार बार लौट के आओ इनशल वो गुना चला जाएगा आपकी तोबा बरकरार रहेगी लेकिन अगर आपने खुदा ना न खास्तबा करने से तोबा कर ली तो गुना बिल्कुल कायम रहेगा और आपका रिश्ता अल्लाह से टूट जाएगा जो कि हमारे लिए बड़ी बर्बादी का बायस है तो इन बस इतना मेरे से फेवर कर दें कि आज ही बस ये इरादा कर लें नीयत कर लें कि आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ मैं इन शाला अल्लाह तला की राह में आना चाहता हूँ यकीन ये नहीं मैं कह रहा कि जी आप कल से कोई मुफ्ती साहब बन जाए अमामा बन जाए लेकिन चलो बेबी स्टेप्स लेके आई वॉन्ट टू तो मेक अ चेंज इन माई लाइफ इतना तो प्रॉमिस कर सकते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने कह दिया हमारी बात होगी जी काम ही ख़त्म होगा और तला सबसे कबूल फरमाए हमारा यहाँ पे आना मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा जो भी टाइम हमने यहाँ आज गुजारा है अल्लाह ताला हमें हमारे हसनात में उसको शामिल करे क़यामत वाले दिन और अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ कोतियाँ गुनाओं सबको माफ़ फरमाए अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए जो भी हमें से परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ मुश्किलें मुसीबतें दूर फ़रमाए जो भी हमें से बीमार हैं जिनके घर वाले बीमार हैं फैमिली मैंबर्स फ्रेंड्स बीमार हैं उन सब के लिए दुआ अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिल आजला नसीब फ़रमाए अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो हमें दुनिया में भी खैर अता फरमाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए

Adse, thank you very much for your precious words to conclude the session. I would like to invite Dr. Javeria Sheikh, uh, HOD, Department of Architecture, and organizer of this event, Dr. Javeria. Assalamu alaikum thank you shoaib thank you our speakers worthy speakers it was very nice to have you on our platform today and it was really great that you spoke so well about religion and upgradation of our life according to the standards of uh, our, our islam uh I, today i want to uh, take advantage of this forum uh, that uh, we all have to work very hard towards uh uh, removal of the jals from our life uh, at every stage, on a very smaller scale to a mega scale, and get ourselves updated in a way that we get ourselves equipped mentally and with heart and with tauba and astaghfar that we can uh, uh, succeed and we can uh, give uh, defeat to the jal at every stage of our life at minor as well as mega scale, and uh, we should eradicate the jals from our lives. uh uh, very small the jals or big the jals. but we have to get rid of them, and that is my duty to tell my children about the jal. Thank you so much.